मैं यूथ परेश कोला यूट्यूब चैनल, मैं आपको एक अहम आज की वीडियो के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उससे पहले ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं शाही ईदगाह का गेट जो ताला लगा हुआ है, फुल डाल के है इस पर, यहाँ पर जब से आज से 250 साल पहले ईदगाह तामीर करवाए थे, तब से लेकर आज तक नमाज नहीं रुकी है भाई। यहाँ साल में 3 मरतबा ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद की नमाजें की जाती थी, लेकिन आज कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर लॉकडाउन की वजह से आज नमाज तो दूर की बात, कब्रस्तान के अंदर मज़ारात के ऊपर जाकर बुजुर्गों के ऊपर फूल चढ़ाने कर पे देने नहीं दे रहे हैं और प्रेस वालों को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट वालों से, अंदर जाकर थोड़ा वीडियो करके आएंगे घर का, लेकिन हमें परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। नमाज तो नमाज का वक्त हो चुका है जी। मैं इतना आप देख सकते हैं यहाँ पर देखा तला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं और भी नहीं छाई हुई है हमारे शाही ईदगाह के ऊपर, नमाज भी नहीं है और बुजुर्गों के ऊपर जो खबरें हैं खबरों के ऊपर जाकर जरूर होता है। और ये शाही ईदगाह के मैदान मैदान में बहुत सारे मरहूमिन की खबरें हैं, उन मरहूमिन के अहल वयाल ने उन खबरों के पास इत्र और गुलाब और फूल छिड़कने के लिए और कुछ कुरान को जिक्र अस्कार करके लौटने के लिए बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ से भी मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। बहुत सारे आदमियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त तो नहीं दी गई, लेकिन हमारे इस गाँव के बड़े जो होते हैं वो इजाज़त लेकर ईदगाह के लिए दो गेटें थे, तो एक गेट से 50 आदमियों को छोड़ते तो दूसरे गेट से निकलवा कर ऐसा कुछ इंतज़ाम करके रास्ता बना देते तो बहुत अच्छा था, लेकिन सरकार यहाँ के जो DC साहिबा हैं वो इजाज़त नहीं दी होंगी, तो इसलिए खबरों के पास जाकर भी जिक्र अस्कार करने के लिए अत्तर और फूल छिड़कने के लिए भी इजाज़त नहीं दी। तो आज ईद उल फितर के दिन बहुत सारे मरहूमिन के अहल वयाल ने आकर वहाँ से भी मायूस होकर लौटना पड़ा, आप देख सकते हैं। दूसरा ताला भी लगा हुआ है, ये दूसरा गेट है, ये दूसरा गेट भी बंद होकर है आज, यहाँ से भी थोड़ा नहीं जा रहे हैं, अंदर भी पुलिस वाले हैं और बाहर भी पुलिस वाले हैं। नमाज तो दूर की बात, मरहूमिन के ऊपर खबरों के ऊपर जाएंगे फूल बरसाने तक भी नहीं दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा वीडियो। लड़का मायूस मन के खड़ा हुआ है, क्या बेटे आज नमाज गए थे आज? पुलिस वाले मारते हैं, पिछले बार गए थे हाँ, आज जाने दिए नमाज को? नहीं दिए, क्यों? अच्छा बेटा, इस लड़के का कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो हम नमाज के लिए जाएंगे तो सरकार के कानून के खिलाफ वर्जी होगी, तो हम कानून के खिलाफ वर्जी करें तो सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो कानून को कार्रवाई हमारे ऊपर करेंगे। तो इस लड़के का कहने का मतलब आप सुन रहे हैं उसकी ज़ुबानी। हमारे इस देश का सरकार का क्या कहें, कोरोना वायरस को लेकर सारे देश के अंदर पूरे इबादत गाहें बंद हैं, तो दूसरी तरफ सारे शराब खाने खुले हुए हैं और सारे शराबियों को आज़ादी है और सारे भगवान के पुजारी और खुदा पाक के अल्लाह पाक की इबादत करने वालों को बंदी बनाकर रखा गया है।